मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट। और पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। खंड ए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका कोष्टक में लिखिए। सही शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द का प्रचलित रूप है। पहले संस्कृत में सप्तशती तक सहस्त्र नाम आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति एवं स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी, इसलिए दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। परंतु जब से भारत में आभीर जाति का प्रवेश हुआ और आभीरों के स्वच्छंद एकतामूलक जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर, तो आप ये देख सकते हैं इसके प्रश्न दे रखे हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। ससई परंपरा, बिहारी ससई, वृद्ध ससई, उपयुक्त सभी ससई शब्द, सर्व शब्द, तद्भव शब्द, अपभ्रंश। तीसरा, निम्न में से किसी ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है। दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्र नाम, वैराग्य स्तक, बिहार ससई। और चौथा है, कथा सप्तशती के रचयिता मतीराम, कबीहाल, वृंद और बिहार। पांचवा, हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान ससई का श्री गणेश किया, बिहारी ने, वृंद ने, मतीराम ने, हाल ने। छठा, बिहारी ससई में निम्न विषय का समावेश है, गीति का, श्रृंगार का, भक्ति का, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, ये आप काव्यांश पढ़िए और फिर इसके नीचे प्रश्न ले रखे इनके उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, असी सब का अर्थ है। तीसरा, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे? प्रश्न नंबर 14, दुर्योधन के लिए ऐसा अधिकारी क्या था? प्रश्न नंबर 5, उल्टे हरि को बाण ने चला, यहाँ हरि शब्द का अर्थ है। भीष्म, विदुर, पांडव प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति को चिंता करती लोकोक्ति है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आग लगने पर कुआ खोदना, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुगी किया था, आए थे हरि भजन को उतन लगे कपास। प्रश्न नंबर 2, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ओज गुण में रिक्त स्थान वर्ण की प्रधानता होती है। दूसरा, केशवदास ने कवि प्रिया में रिक्त स्थान दोषों का विवेचन किया है। प्रश्न नंबर 3, दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। चौथा, सोरठा दोहे का रिक्त स्थान होता है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। छठा, उपमा अलंकार के रिक्त स्थान अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। दूसरा, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तीसरा, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य? चौथा, सामान्य लेखक का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? प्रश्न नंबर 5, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए? छठा, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? प्रश्न नंबर 7, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमरिनी के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 8, देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 9, सरोज समर्थी कविता किस पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 10, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? प्रश्न नंबर 11, एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं? प्रश्न नंबर 12, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? खंड ब में 4 से 15 तक है, दो दो अंकों के हैं। समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 5, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 6, पशुआ नामक स्थान की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 7, मैंने देखा गूंज कविता में कवि अज्ञेय के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? प्रश्न नंबर 8, केशवदास तथा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय लिखिए। प्रश्न 9, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया? संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न नंबर 10, श्री राम के अश्व की किससे तुलना की गई और क्यों? प्रश्न नंबर 11, ममता काली तथा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न नंबर 12, किसी घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है, सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 13, रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 14, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? अपना मालवा खऊ जाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 15, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे? खंड स, 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर करती है, कैसे? इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 16वें के अथवा में भी एक प्रश्न दे रखा है, लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया? कच्चा चिट्ठा अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, हिमालय किधर है? इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों? क्या आपकी दृष्टि से ये उत्तर सही है? विस्तार से उत्तर दीजिए। अथवा में है, एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण विस्तार से कीजिए। प्रश्न नंबर 18, हमारे आज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों तथा पुरातन नियोजकों में क्या अंतर बताया गया है? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर विस्तृत उत्तर
देखिए इसके अथवा में भी है, तुम खेल में रोते हो। इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा? सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर लिखिए। खंड द प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पठित काव्यांश में किसी एक किसी प्रसंग व्याख्या कीजिए। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कुसुमित कारण ये कर लो या कुसुमित कारण वाले, दोनों में से कोई एक आपको करना है। प्रश्न नंबर 20 क्या है? देखो निम्नलिखित पठित गद्यांश में किसी एक ही से प्रश्न व्याख्या करनी। ऊपर वाला पद्यांश था, ये गद्यांश है। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे और जा कहाँ जाए वही कान ललका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। अथवा ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। तो दोनों में से कोई एक आप लिख लीजिए। और इसके बाद है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी पर निबंध टॉपिक पर 400 शब्दों में निबंध लिखो। बढ़ती तकनीक प्राकृतिक आपदाएं कारणों निवारण, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन विज्ञान और कोरोना काल और शिक्षा। प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।